तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्नेचरी लिमिट्स क्या होता है। तो जब भी आपके एरिया में कोई भी काम चल रहा होगा तो उसके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल इंश्योर करने के लिए कितने परमिट कौन सी अथॉरिटी इशू कर सकती है, उसको हम सिग्नेचरी लिमिट कहेंगे। देयर शुड बी अ सेंसिबल लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिट्स टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिग्नेचरीज अप्रूव्ड बाय एसेट ओनर। अगर आपके पास परमिट की क्वांटिटी एक इनफ क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स हैं आप उनको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे ही आपके पास ये अथॉरिटी डाउन जाती रहेगी टॉप टू बॉटम अप्रोच से, उसी तरह आपके पास नंबर ऑफ अथॉरिटीज या लिमिट्स कम होती रहेंगी। सबसे ज़्यादा एरिया अथॉरिटी, टोटल परमिट कितने होंगे, उसमें से क्रिटिकल कितने हो सकते हैं, हॉट वर्क कितने हो सकते हैं और जनरल कितने हो सकते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक फिक्स लिमिट होगी। इसी तरह PI अपनी लिमिट इंश्योर करेगा। फिर परफॉर्मिंग अथॉरिटी में इन हाउस भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेस करेगा कंडीशन वाइज पे। अगर हमारे पास टर्न अराउंड चल रहा है, हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं तो ये लिमिट डिफर कर सकती हैं, लेकिन एक नॉर्मल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ये लिमिट्स कम हो सकती हैं। बेसिकली एक जो PA है उसको मैक्सिमम 5 परमिट अलाउ होंगे, वो 5 परमिट अपने नाम पे सिग्नेचरी साइन कर सकेगा, अप्रूव करवा सकेगा। इसी तरह हर JP के पास जब जाएगा तो एक JP एट अ टाइम एक क्रिटिकल परमिट ले सकेगा, उसके अगेन एडिशनल वो 6 जनरल वर्क परमिट ले सकेगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस स्लाइड के बारे में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।